अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूँ शहजाद हसन। मैं हूँ मरियम जीशान। और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। इमरान खान ने इनकम टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि नून लीग ने मनी ट्रेल को मुन्नी ट्रेल करार दे दिया। आर्मी चीफ इसके साथ साथ लाहौर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे। और इसके साथ साथ जनरल अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर वो लाहौर धमाके के जख्मियों की आयादत भी करेंगे। अहम तरीन मामला है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर वो एक आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे कोर हेडक्वार्टर्स में। इसके साथ साथ जनरल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर लाहौर धमाके के जख्मियों की आयादत करेंगे। याद रहे कि 58 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया था। और इसके साथ साथ 26 अफराद इस अफसोसनाक वाकये में इस सानहे में शहीद हो गए थे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर के, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से हमने आपको पहले ही बता दिया था। और हमारी हेडलाइन स्टोरी है, टॉप स्टोरी है कि आर्मी चीफ आज लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर वो एक आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। उन्हें लाहौर धमाके के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि 26 अफराद शहीद हो गए, जिनके अंदर 9 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इसके साथ साथ 58 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हैं, जो कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। सबसे ज्यादा जख्मी जनरल अस्पताल में ले जाए गए थे, जहां इन जख्मियों की आयादत के लिए इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं और वहां पर वो जख्मियों की आयादत करेंगे। इसके साथ साथ आला सतह के इजलास में ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ को इस धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, बल्कि इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि दहशत गर्दों का कलाकमा किया जा सके और दहशत गर्दों को ताकुब करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। तो अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार यहां पर पहुंचे हैं और अपने भाइयों के साथ आयादत करने के लिए, उनको यह बताने के लिए कि पाक फौज अब मुश्किल की हर घड़ी में अपने पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी है, उनके शाना बशाना खड़ी है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि ये जनरल अस्पताल में पहुंचे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और यहां पर उनकी जानिब से जख्मियों की आयादत की जाएगी। जख्मियों के हवाले से जो डिटेल सामने आ रही है, उनमें ना सिर्फ यह कि पुलिस एहलकार शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ आम शहरी भी शामिल हैं। खवातीन भी जख्मियों में शामिल हैं, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया है, वहां पर उनका इलाज मुआलजा जारी है। गुज़िश्ता रोज 3:55 पर यह धमाका हुआ था, और यह धमाका उस वक्त हुआ था जब इंसदाद तजावजात के अमले के साथ ये पुलिस एहलकार मौजूद थे और वहां पर से सब्जी मंडी के इलाके को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान यह खुदकुश हमला हुआ, यह वाकया पेश आया, यह धमाका हुआ, जिसके अंदर इब्तदाई तौर पर जो डिटेल सामने आई थी उसके मुताबिक 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद हमने यह देखा कि मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस भी इस हवाले से सरफेस हुई थी, दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत भी की गई थी। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान रफीक भट्टी इस बारे में मजीद बताएंगे। बताइएगा अरसलान रफीक भट्टी, आर्मी चीफ पहुंचे हैं जनरल अस्पताल, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो है आपसे कुछ देर पहले जो है वो जनरल अस्पताल पहुंचे, पर जख्मी है 38 इनकी तादाद है वहां पर, जो जख्मी मौजूद है इस वक्त उनकी इयादत करेंगे, उनको दिलासा देंगे, और वहां पे उन्होंने जो उनके रिश्तेदार वहां पे मौजूद होंगे उन भी वो बातचीत करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जो है वो खसूसन जो पुलिस अफसर पुलिस जो कॉन्स्टेबल जख्मी है उनके हवाले से उन्होंने पहले भी कहा, उनको एक ब्रीफिंग भी जो है और पहुंचने पर दी गई, जिसके जिसमें उनको ये बताया गया कि ये जो हमला हुआ है कल गुज़िश्ता रोज वहां पर कोर लखपत ये सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ हुआ, और उसका सारी मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग जो थी एजेंसीज ने उनको दी है। आर्मी चीफ का मतवक्का तो की जा रही है जी कि यहाँ जनरल अस्पताल वो फर्दन फर्दन तमाम जख्मियों से मिलने के बाद जो है वो आईजी जो एक्टिंग आईजी पंजाब है उनके साथ जो है वो जिना हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहां पर भी जो जख्मी है उनकी भी इयादत करेंगे। जी ठीक है, अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। मैं बता रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं, खासतौर पर जो पुलिस के जवान वहां पर जख्मी हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, और दीगर जो जख्मी यहां पर लाए गए थे उनकी भी आयादत करेंगे। आज कोर हेडक्वार्टर्स में एक खसूसी इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत भी करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर उनको वहां पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ देर पहले जनरल अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर आयादत करेंगे जख्मियों की, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जिना अस्पताल शायद जाएंगे और वहां पर भी जो जख्मी हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर पहुंच चुके हैं।
हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, जनरल अस्पताल के मनाजिर हैं जहां आर्मी चीफ जख्मियों की आयादत के लिए पहुंचे हैं। आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर लाहौर में सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। ISPR का यह भी कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दहशतगर्दी और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं मनाजिर जनरल अस्पताल के जहां जख्मियों की आयादत के लिए पहुंचे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आर्मी चीफ इत्तफाक और जिना हॉस्पिटल भी जाएंगे।